भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समर्थन में ये अपार उत्साह देखने को मिला है। इसका कारण भी है, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता थी, जो गुंडा राज था, जो दंगों का शासन था, नाम तो समाजवादी था लेकिन काम दंगावादी था और सोच परिवारवादी था, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। वह सोच जो केवल अपने को सिपाही तक सीमित रखती थी, अपने खानदान तक सीमित रखती थी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने दुम दबा करके चलती थी, सत्ता की मजबूरी क्या हो सकती है गुंडे और माफियाओं के सामने, इसका जीतता जागता उदाहरण कोई और था तो 2017 के पहले प्रदेश के अंदर जो सरकारें काम कर रही थी उनकी कार्य पद्धति से स्पष्ट देखा जा सकता है। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, तो भाइयों बहनों, जनता जनार्दन के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने कहा था दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने कहा था भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत आई? पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले जगह जगह बमबाजी करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, क्या आप भी वसूली कर पा रहे हैं? फर्क साफ है, पहले कर्फ्यू लगता था और अब तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकल रही है। फर्क साफ है, 2017 के पहले व्यापारियों पर बाजारों में अपराधियों के द्वारा बम फोड़े जाते थे, 2017 के बाद कांवड़ यात्रा में चलने वाला शिव भक्त हर हर बम बम का नारा लगाते हुए जब निकलता है तो हर भारतीय उसकी ओर अभिभूत होता है। भाइयों बहनों, एक और सुरक्षा का ये वातावरण इसने निवेश दिया है, भारी पैमाने में प्रदेश के नए उद्योगपतियों ने निवेश लगाया है। और औरैया की तो बात ही क्या करनी है, यहां पे तो हम एक नया प्लास्टिक पार्क भी बना रहे हैं, यहां को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ करके विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और औरैया के बारे में कोई सोचता था कि यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाएगा? आज यहां एक नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, औरैया में एक नया मेडिकल कॉलेज, पिछले दिनों आकर के मैंने शिलान्यास भी किया था। याद करिए क्या कर रही थी पिछली सरकारें, न विकास का कार्य होता था, न गरीब कल्याणकारी कार्य होते थे। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में इतने बड़े प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और भाइयों कह दो, 5 वर्ष में हम लोगों ने 33 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए, 33 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें औरैया का भी एक मेडिकल कॉलेज है, फरुखाबाद में भी एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एटा में भी मेडिकल कॉलेज बन चुका है। ये 5 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों, पहले कनेक्टिविटी के नाम पर 70 वर्षों में डेढ़ एक्सप्रेस वे बना था, 5 वर्ष में आज हम 7 नए एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। 7 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित कर दिया है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, चुनाव पूरा होने दीजिए, सबसे पहला उद्घाटन होगा तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का होगा। पहले की सरकार तमंचावादियों के लिए तमंचा की फैक्ट्री लगवाती थी और हम लोगों ने तो डिफेंस कॉरिडोर दे दिया है, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर,
इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कानपुर में, झांसी में, चित्रकूट में, लखनऊ में, आगरा में और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप पर बैठ करके भारत के दुश्मनों की सीमा में जाकर के तोप से गोले दागेगा तो दुश्मन के छक्के स्वयं ही छूट जाएंगे। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, पिछली सरकार में न सड़क थी न बिजली थी। बिजली मिलती थी आपको 17 के पहले? बिजली मिलती थी? आज मिल रही होगी ना? आ रही है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। प्रदेश तो वही है, पहले गरीब को मकान नहीं मिलते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 वर्ष में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाए और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष में 43,50,000 से भी गरीबों को एक एक मकान दे दिया है। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दे दिया है। हर गांव में बैंकिंग सुविधा दे दी है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हर गांव में एक एक बेटियां एक एक बहन इस कार्य को कर रही है। हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैग है, बुक्स है, 2 यूनिफॉर्म है, स्वेटर है, स्मार्ट क्लास है, कायाकल्प के अंतर्गत बेहतरीन तरीके से वहां की व्यवस्था को सुसज्जित कर दिया गया है। 1,30,000 से अधिक विद्यालय इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक आच्छादित किए जा चुके हैं। लगातार कार्य चल रहा है। भाइयों बहनों, 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना महामारी है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? अभिनंदन आपका। आपने तो वैक्सीन लेकर के जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उनको करारा जवाब दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर इस वैक्सीन ने आपकी जान को कोरोना महामारी में बचाया है तो आपका जवाब तब होगा जब आप 9 महीने में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सहमत है ना? और भाइयों बहनों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, ये राशन का, ये मेडिकल कॉलेज का, ये एक्सप्रेसवे का, ये डिफेंस कॉरिडोर का, ये जो बिजली है, ये सड़क बन रही है, ये पहले की सरकारें भी कर सकती थी लेकिन नहीं की, क्योंकि पहले विकास का ये पैसा, गरीब कल्याण का ये पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए तो हमने एक हाथ में विकास की छड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी पकड़ करके हमको विकास करने का काम कर रहे हैं। विकास प्रदेश का, गरीब के कल्याण का, बेटियों की सुरक्षा का और बुलडोजर माफियाओं की छाती पे चढ़ाने का और उनके अवैध कमाई को जब्त करने का एक माध्यम बनेगा। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आपसे आश्वस्त होकर के जाऊं ना, मैं सभी बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दूं। 10 मार्च के बाद इससे फिर से इनका उपयोग कर सकूं कायदे से। सभी लोग सहमत हैं? तो मैं आपकी बात को मानता हूं। चुनाव के दिन 20 फरवरी को पहला काम क्या होना है?
पहला काम मतदान का, मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है। स्वयं भी मतदान करना, हर एक व्यक्ति को मतदान करके उन अपराधियों को, माफियाओं को, प्रदेश को लूटने वालों को करारा जवाब देने के लिए कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गुड़िया कठेरिया को और सिबियापुर से श्री लाखन सिंह राजपूत को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ लाकर मेरे सामने बताओ, सड़क के उस पार भी सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।